देखते हैं कहीं मेरा चैनल बंद ही ना पड़ जाए। लगता तो ऐसे ही, अगर जॉब करूँगा तो यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं रोज डेली ब्लॉग अपलोड कर सकूँ। बट शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार बोलना ये चाहता हूँ दिल से तुमको यार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है फिर से सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। हो गई है आपके लिए रिश्ते से फिर से एक खूबसूरत से वीडियो की शुरुआत, और आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ लक्ष्मण झूला साइड के मार्केट से। अभी मैं गया था एक ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। कई सारे ऑनलाइन ऑर्डर भी कैफे में आते हैं तो वो हम में से किसी को ही प्लेस करना होता है। बाकी आज 12:30 बजे से मैं अपना वीडियो शुरू कर रहा हूँ। परसों होली का नशा नहीं उतरा था, एक्चुअली में हमने रात को ना भांग की पकौड़ी खा ली थी तो होली भी सेलिब्रेट करी बहुत देर तक, और उस वजह से मैं कल कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया। एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ मैं, और 12:30 बज गए हैं। देखते हैं कितने देर तक ये ब्लॉग कंटिन्यू रहता है। आप अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओ। बाकी मार्केट में हर टाइम पे भीड़ लगी रहती है, बहुत सारे बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो चलो कैफ़े में पहुँचते हैं, और आज हमारे कैफ़े के 2 स्टाफ छुट्टी पर चले गए हैं तो काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सा गया है, क्योंकि जितने भी लोग कैफ़े में रहते हैं सबको मिलजुल कर काम करना होता है। तो 2 लोग चले गए हैं तो उनके बदले का जो काम होगा वो भी हमें भी करना पड़ेगा। कैफे में कुछ फॉरेनर ग्रुप दिन का लंच करने के लिए आते हैं, उसकी तैयारी भी ऊपर वाले एरिया में हो गई है। सारे प्लेट वगैरह मैंने लगा दी है, अब थोड़ी देर में वो आएंगे और अपना लंच करेंगे। तो उनका लंच हम यहाँ पे रखते हैं और वो खुद वहाँ से उठ के आते हैं लंच करने के लिए। आज वीडियो बनाने का टाइम तभी मिल रहा है जब मैं कैफ़े से बाहर आ रहा हूँ। अभी रात के करीब 8 बज गए हैं। अभी मैं फिर से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने गया था, और आज मैंने वीडियो तभी शूट करी जब मैं कैफ़े से बाहर आया। बहुत ज़्यादा भीड़ आजकल कैफ़े में हो रही है, यात्रा सीजन जल्दी ही शुरू होने वाला है, काफ़ी हेक्टिक भरे दिन हो रहे हैं। बाकी देखते हैं, अब ये वीडियो कल भी कंटिन्यू रहे। हो रहा था हो
सभी आ जा फासले, बचा मुझे मुझसे बांट ले। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे बारिश की दुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से सभी लोगों का। आज मेरे ब्लॉग को तीसरा दिन है। तीसरे दिन पिछले तीन दिनों से मैंने ये ब्लॉग कंटिन्यू रखा हुआ है जो कि पूरा ही नहीं हो रहा है। अभी मैं उस लोकेशन पे आया हूँ जहाँ पे मैं पहले दिन रुका था ऋषिकेश में। इस वाले होटल पे हरिओम जॉब करता है भाभी का भाई, और ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने आया था। यहाँ से भी बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं हमारे कैफ़े के लिए, वो ही देने में आया था। और बिल्कुल भी मुझे आजकल समय नहीं मिल रहा है वीडियो शूट करने का। यात्रा सीज़न शुरू हो चुका है और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो रही है, उस वजह से थोड़ा आजकल कैफ़े में ज़्यादा भीड़ रहती है तो वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिलता है। और इस वाले ब्लॉग में जब भी मैं कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने आया उसी टाइम मैंने वीडियो शूट करी। तो कल रात को एक भैया जी ने काफ़ी अच्छा गाना गाया था, वो आपने देखा होगा ज़्यादा, तो उसी का सीन है मेरे इस वाले ब्लॉग में। और अब लगता नहीं है कि मैं कुछ और दिखा पाऊँगा आज के लिए। फिलहाल इस वीडियो को भी यहीं से क्लोज करते हैं। आज इस वाले ब्लॉग में मैंने अपना थोपड़ा कम ही दिखाया है, जो भैया जी थे उन्होंने काफ़ी अच्छा गाना गाया तो ज़्यादा मैंने वही रखा। अभी मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे थोड़ा अपना ब्लॉग एंड कर लेते हैं। अब देखते हैं कब आपसे फिर से मुलाकात होती है। लगता तो नहीं है कि जल्दी होगी, क्योंकि जो वीडियो तीन दिनों से चल रहा है होली के बाद मेरा अब आ रहा है वीडियो, वो भी तीन दिनों का थोड़ा थोड़ा करके जैसे ही मैंने शूट करा। तो धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और चैनल कुछ ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है मेरा, देखते हैं कहीं मेरा चैनल बंद ही ना पड़ जाए। लगता तो ऐसे ही, अगर जॉब करूँगा तो यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं रोज़ डेली ब्लॉग अपलोड कर सकूँ, बट करना तो पड़ेगा, देखते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहे मुझसे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। पैसा पर मेरा अपना नहीं है, लोगों का है। धन्यवाद।